ऐसी हरकत नहीं कर सकता। प्रेम कुछ भी कर सकता है। वो कंप्यूटर टीचर है ना, उन्होंने अरे आगे तो बोल, उन्होंने भूत देखा है। अगर इसके चेहरे से इसके दांत और इसके सिंह निकाल दिए जाए ना, तो बिल्कुल ऐसा ही एक खिलौना मैंने आज सुबह स्नेहा के रूम में देखा था। स्नेहा, वो खिलौना कहाँ है जो तुम्हें स्कूल में मिला था? सोने में बदल गया, 24 कैरेट सोना। हाँ, लेकिन कैसे? एलियन। एलियन? हाँ, ये उसी एलियन का करिश्मा है जिसे मैं कुछ देर पहले ढूंढ रहा था। You mean to say, एलियन हमारी गाड़ी में? पर ये तुम कैसे कह सकते हो जय? हीरा, जब मैं खंडाला गया था तो मुझे वो स्पेसशिप तो नहीं मिला था, लेकिन ये गोल्डन ड्रॉप जरूर मिली थी जो कि उस डिवाइस से टपकी थी जिसने लोहे को सोने में बदल दिया। लेकिन ये ड्रॉप यहाँ कैसे आई जाए? वही तो मैं सोच रहा हूँ। इसका मतलब है कि वो एलियन इस टिक्की में था, क्योंकि उस एलियन के पास ही वो डिवाइस है जो कि लोहे को सोने में बदल सकती है। लीला, अगर वो डिवाइस हमारे हाथ लग जाए ना, ये घर, ये दरवाजे, घर, दरवाजे, सब कुछ, इसका मतलब हमारे तो बारे न्यारे हो जाएंगे जय। यू मीन टू से पापा, हमारा घर सोने की लंका जैसा हो जाएगा। स्नेहा? हाँ पापा। वो क्या था? क्या पापा? वही जिसे तुम खिलौना कह रही थी। वो तो खिलौना ही था पापा, मुझे स्कूल में मिला था और स्कूल में ही खो गया। खो गया मतलब? पापा, मैं उसे अपने पास में रख के अपने फ्रेंड से बातों में लग गई थी। थोड़ी देर बाद देखा तो वो गायब। मैंने बहुत ढूंढा, लगता है कोई चुरा कर ले गया। बहुत प्यारा खिलौना था पापा। हाँ बेटा, प्यारा तो होगा तभी कोई उसे चुरा करके ले गया होगा। किसी को पता चल गया होगा कि वो एलियन था। एलियन पर मैंने तो उसे खिलौना समझ कर ही। कोई बात नहीं बेटा, अब आपको वो आगे कहीं मिले तो मुझे खबर करना, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। ठीक? ओके पापा। लाइसेंस दे, बोलो मतलब लाइसेंस दे। ये सिग्नल नहीं था, ग्रीन था सर। मेरे आके फूटने की है। अरे बाप, मर गई, ये कौन है? बच्चा, छोटा छोटा बच्चा। अरे क्या आधार है मेरा गाड़ी के सामने? अबे मरने का क्या? अरे नहीं तो बाबा। अरे मर ये। अरे मरने का एक।
है, मारा इस जगह। प्रेम, प्रेम। स्नेहा, तुम यहाँ और इस वक्त? हाँ प्रेम, आना पड़ा, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या हुआ स्नेहा? वर्णन अचानक कहाँ चला गया है? अरे पर वो तो कार की डिक्की में था, लेकिन एक तरफ से अच्छा ही हुआ कि बंदर गायब हो गया। स्नेहा तुम ये क्या कह रही हो? हाँ प्रेम, पापा को पता चल गया है कि बंदर डिक्की में ही नहीं बल्कि मेरे रूम में भी था। कैसे? जो देखा वो देखकर तो मैं भी सरप्राइज रह गई, लेकिन अब समझ आ गया है कि सब लोग बंदर को पाने के लिए इतना डिस्परेट क्यों है। क्यों स्नेहा? वो आंटी आप तो जानते हैं ना, हमारे वंडर को यह स्पेसशिप छोड़ के गया था। वंडर के पास कोई डिवाइस है जिसमें से कोई लिक्विड एक्सट्रैक्ट होता है और वो किसी भी मेटल को गोल्ड में बदल देता है। तब तो हमारा वंडर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। पर कहाँ ढूंढोगे उसे? भैया तुम स्नेहा के ऐसा ना, अगर रास्ते में वंडर मिल जाए तो उसे गाड़ी में बिठा के यहाँ ले आना। नहीं मुनिया, हम दोनों का साथ में जाना ठीक नहीं होगा। स्नेहा पहले मैं जाता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद तुम जाना। ओके ओके। प्रेम संभल के जाना। अरे मिस्टर कुमार, आप हाँ यहां इतनी रात गए, क्या बात है? क्या करूं मनचंदा, आना पड़ा। वो जेएस बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो एलियन अभी भी इसी शहर में है, इसी शहर में। इससे क्या फर्क पड़ता है मिस्टर कुमार, क्या फर्क पड़ता है? सबसे पहले वो एलियन हमारे हाथ तो लगे, हम जितनी बार भी जेएस के साथ गए हैं हमारे आंखों के सामने से वो स्पेसशिप वापस लौट गए। अभी क्या मिला? देखो मनचंदा, अब जो कुछ भी करना है हम दोनों को करना है, पर मेरा शक उस जलेबी वाड़ा वाले लड़के पर है, क्योंकि अगर एलियन इसी शहर में है तो वो उससे मिलने की कोशिश जरूर करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें उस लड़के पर पूरी तरह से नजर रखनी होगी। सिर्फ नजर ही नहीं रखनी होगी, हमें उसका पीछा करना होगा अभी इसी वक्त। आई थिंक यू आर राइट। क्या रे कैसे तेरे माँ बाप है रे, हाँ तेरे को बीच रोड पर छोड़ दिया? तेरे को मालूम है क्या, वो गाड़ी अगर तेरे को ठोक गया होता ना तो मर गया होता और साथ में मेरे को भी मरना पड़ता, और ये पब्लिक इल्जाम लगाएगी पुलिस के ऊपर, वो अफसर डांटेगा हमको। ए बाबा तू बता, तेरा नाम बता, तेरा पता बता। अरे कैसे रे तू, इतनी देर से मैं चिल्लाता है फोन कि तू तेरा नाम बता, तेरा पता बता, और तू एक ही बोलता नहीं। तू इतना छोटा भी नहीं ना कि तेरे को बोलना नहीं आता है, गूंगा है क्या? ए मेरे बाप, मेरे को बोलना बाबा, तेरा नाम क्या है तेरा? कहाँ चला गया ये बंडो? किसी के हाथ में लग गया हो? नहीं ऐसा नहीं हो सकता, गोपाल जी उसकी रक्षा करेंगे। वंडो वंडो तुम कहाँ हो वंडो? प्लीज वंडो जल्दी से मेरे आंखों के सामने आ जाओ फ्रेंड, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। प्लीज वंडो जल्दी जल्दी से आ जाओ, तुम कहाँ हो वंडो? वंडो
कुमार, ये वही लड़का है जो जलेबी वाड़ा में रहता है। लगता तो वही है। बोलें। वंडो, वंडो। वंडो, तुम कहाँ चले गए थे? जल्दी आओ, बैठो, जल्दी। लेकिन उसके साथ में साइकिल पे कोई बच्चा है जिसके हाथ में चमकती चीज है। कौन है वो? क्या है वो? तो नजदीक जाके ही मालूम पड़ेगा ना मच्छर। तेज करो, फॉलो फॉलो, कम ऑन। मुझे लगता है कुछ लोग हमारे पीछे आ रहे हैं, तुम्हारा पीछा कर रहे हैं। गोपाल जी प्लीज मेरे वंडर की रक्षा करना। वंडर, हो सकता है तुम्हारे इस डिवाइस के लाइट की वजह से उन्हें पता चल रहा हो कि हम कहाँ हैं। क्या तुम इसे बंद कर सकते हो? थैंक्स, चलो। वो तो गायब हो गया। गायब होके जाएगा कहाँ? मनचंदा, ये जगह कुछ जानी पहचानी सी लगती है। अरे ये तो जलेबी वाड़ा है। जलेबी वाड़ा मतलब हमें यहाँ के बादशाह को इन्फॉर्म करना चाहिए, मतलब बाबू भाई को। यू आर राइट। जल्दी करो। हेलो, हाँ बाबू भाई, मैं कुमार बोल रहा हूँ। वंडो, मुझे लगता है वो लोग चले गए हैं। चलो अब हम सीधे घर चलते हैं। चलो। मुझे लगता है ये वही लोग हैं। तुम जल्दी से जाके कहीं छुप जाओ। जाओ चल। प्रेम है ना? तुम स्नेहा के दोस्त हो और हम लोग स्नेहा के अंकल। हेलो। हेलो अंकल। बेटा सबसे पहले तुम डरो मत, बिल्कुल मत डरो। अच्छा हमें एक बात बताओ कि तुम्हारे साइकिल पर एक बच्चा बैठा था ना? जी, बच्चा? हाँ हाँ प्रेम, वो बच्चा, वो छोटा सा बच्चा जो तुम्हारी साइकिल पे बैठा था। बेटा वही बच्चा जिसे तुम पिछले 4 किलोमीटर से अपने साइकिल पे बिठा के ला रहे थे, वही बच्चा। कहाँ है वो बेटा? ए, पागल का माफी क्या देख रहा है? हिंदी समझ में नहीं आती क्या? नहीं अंकल, मैं तो बस ये सोचा था कि आप किस बच्चे की बात कर रहे हैं। मैं तो अकेला हूँ। ये लोग उस बच्चे की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं उस करामाती चीज की बात कर रहा हूँ
जिसे ये लोग क्या बोले तो एलियन बोलते। अरे बाबा एलियन नहीं, एलियन एलियन। एलियन हो या एलियन हो, बहस इस बात का नहीं है कुमार साहब। अपने को तो उस करामाती चीज से मतलब है। बोले छोकरे इधर आओ। देखिए आप मुझे छोकरा छोकरा मत बुलाइए, मेरा भी नाम है प्रेम कृष्णकांत सहाय। तो देव क्या बाबू भाई, बाबू भाई शांत हो जाए प्लीज, शांत। अरे बाबू भाई प्रेम ठीक ही तो कह रहा है, ये प्रेम है अपनी स्नेहा का फ्रेंड। बेटा तुम अच्छी तरह से जानते हो कि स्नेहा के पिताजी इस देश के जाने माने साइंटिस्ट हैं, और हम जो कुछ भी करें ना बेटा ये पब्लिक वेलफेयर और पीस के लिए कर रहे हैं। और अगर तुम एलियन को पकड़ने में हमारी मदद करोगे तो तुम नेशनल हीरो बन जाओगे बेटा, और हम इस देश का भाग्य बदल सकते हैं, इस देश से गरीबी हमेशा के लिए मिटा सकते हो, न जाने कितना कुछ। प्लीज अंकल मुझे जाने दीजिए, घर पे मेरी माँ मेरी राह देख रही होगी। हम जानते हैं बेटा, मतलब स्नेहा के थ्रू कि तुम अपनी माँ और बहन के साथ रहते हो। ओलियो वाली बहन के साथ। बाबू भाई प्लीज उस बच्ची का नाम मुनिया है, तो प्लीज उसे मुनिया कहिए। ठीक है ना बेटा। बेटा लेकिन तुम इतनी प्यारी सी नन्ही सी मुनिया के साथ इतनी बदबूदार बस्ती में एक छोटे से घर में इतने बुरे दिन काट रहे हो, सुन के बड़ा दुख होता है। लेकिन अगर तुम मुझे उस एलियन का पता दे दोगे ना तो यार मनचंदा अंकल प्रॉमिसेज यू कि मैं तुम्हें एक पॉश से इलाके में एक बढ़िया सा फ्लैट दे दूंगा। बेटा फ्लैट ही क्या, मैं तुम्हें बंगला दे दूंगा, लेकिन तुम मुझे उस एलियन का पता दे दो प्लीज प्लीज। अरे मनचंदा साहब आप अगर इसे फ्लैट दे सकते हो तो हम तो अपने प्रेम को गाड़ी दे सकते हैं। बोलो प्रेम बेटा कौन सी गाड़ी चाहिए, बोलो 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 कौन सी गाड़ी लोगे। बोलो उसके बाद फ्लैट में जो भी चीज मांगता है ना वो अपन देगा, कलर टीवी फ्रिज कपड़े धोने का मशीन कंप्यूटर भी देगा। वो पिक्चर वाला मोबाइल मांगता है, मांगता है मिलेगा बस। हाँ बेटा एनीथिंग फॉर यू एनीथिंग। अंकल मैं चलूं। अब बेटा उस एलियन का पता तो। अंकल मैं एलियन वेलियन के बारे में कुछ भी नहीं जानता। देखो प्रेम हम तुम्हारी बहन मुनिया का इलाज करवा के उसे उसके पैरों पर चलवा सकते हैं, तुम हमें सिर्फ उस एलियन का पता बता दो। देखिए मैं एलियन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, प्लीज मुझे जाने दीजिए। एक्सक्यूज मी प्रेम। तुम कहां गायब हो गए थे, तुमने तो मुझे घबरा ही दिया था दोस्त। अच्छा हुआ वरना वो चारों आज तुम्हें पकड़े बिना नहीं मानते। तुम्हें पता है तुम्हें पकड़वाने के लिए मुझे उन्होंने कितने बड़े बड़े लालच दिए। हम तुम्हें फ्लैट देंगे, कार देंगे, वॉशिंग मशीन देंगे, मोबाइल देंगे, और न जाने क्या क्या। नहीं वंडो मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा, मेरे पास जो कुछ भी है मैं उससे बहुत खुश हूँ। और तुम्हें पता है ना माँ क्या कहती है, जिसके पास संतोष का धन होता है वो सबसे ज्यादा खुश होता है। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मैं जिससे दोस्ती का हाथ मिला लेता हूँ उसे अपनी प्रॉमिस कभी भी नहीं तोड़ता, अपनी जान पे भी खेल के उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। और वंडर हमारी परंपरा भी तो है ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। वंडर तुम भी ना। तुम्हें क्या लगता है मिस्टर कुमार, झूठ तरह से झूठ बोल रहा है ये लड़का। कुमार साहब बोले तो मेरे को सच उगलवाना आता है, इसे कोई लालच नहीं है ना, बराबर है। लेकिन इसकी एक बहन है जिसे बहुत प्यार करता है।
मेरे को मेरा ही तरीका अपनाना पड़ेगा, इसकी बहन को उठाना पड़ेगा।